हेलो गाइस, वेलकम टू सरफेस टेक। आप सबको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि एप्पल ने अपना नया आईफोन रिलीज कर दिया है, आईफोन एसई वर्जन 2। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने डिटेल में स्पेसिफिकेशन शेयर की है। वो आपको वीडियो देखना हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो आप आई बटन पे जाके भी देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे मेरे ओपिनियन इस मोबाइल के बारे में। अभी इस मोबाइल के अंदर एप्पल ने खास कुछ चेंज नहीं किया, मतलब चेंज क्यों नहीं किया, आईफोन 8 अगर आपने देखा होगा तो सेम उसी तरह है आईफोन एसई 2। यस, और कुछ खास चेंजेस जो जो हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आईफोन एसई 2 के अंदर हमको A13 बायोनिक चिप मिल जाएगी, जो कि एप्पल की मार्केट में लेटेस्ट है, जो कि आईफोन 11, 11 प्रो एंड 11 प्रो मैक्स में भी यूज होती है। वो चिप हमको इस मोबाइल में मिल जाएगी, मतलब हम परफॉर्मेंस में हमको इस मोबाइल के अंदर देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। दूसरी बात, इस मोबाइल के अंदर हमको कैमरा मिलता है 12 मेगापिक्सल का रियर, और फ्रंट कैमरा हमको मिलता है 7 मेगापिक्सल का। जैसे कि मैं इस मोबाइल की बात करूं तो इस मोबाइल के अंदर हमको 1.2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता था, फिर भी अगर लाइटिंग कंडीशन बेस्ट हो तो फोटोज और वीडियोज बेस्ट क्लिक होते थे, तो 7 मेगापिक्सल में तो क्या ही करेगा। और आगे मैं बात करूं तो इस मोबाइल के अंदर हमको वायरलेस टेक्नोलॉजी मिलती है, मतलब हम वायरलेस चार्जिंग आसानी से यूज कर पाएंगे, और साथ में इस मोबाइल को हम फास्ट चार्ज भी कर सकते हैं। एप्पल की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 18 वोल्ट या तो उससे हायर जो चार्जर होगा उससे हम आसानी से इसको चार्ज कर सकते हैं, लेकिन वो उसको हमको सेपरेटली परचेज करना रहेगा। ये सभी बातें हो गई इस मोबाइल की स्पेसिफिकेशन पे। अभी मैं आपको बताता हूं इस मोबाइल की प्राइस। एप्पल काफी सालों से बोल रहा है कि मैं बजट रिलीज करूंगा, तो फाइनली ऐसा हो सकता है। काफी सारे कॉम्पिटिटर्स को इश्यू पड़ सकता है, क्योंकि इस मोबाइल की प्राइस है 42,500 रुपीज। यस, A13 बायोनिक चिप, वायरलेस चार्जिंग, अच्छी वाली डिस्प्ले, 12 मेगापिक्सल कैमरा, ये सभी चीजें हमको मिलेगी 42,500 रुपीज में। सो एप्पल ने काफी अच्छा काम किया है मेरे हिसाब से। इस बार फाइनल उसने प्राइस एक लिमिट में रखी है, सो ये बात मुझे पसंद आई। सो मेरे हिसाब से तो ये मोबाइल तो वर्थ है, अगर आपको काफी टाइम से आईफोन लेना है, अगर आपको ब्रांड न्यू आईफोन नहीं परचेज कर सकते, इसके लिए सेकंड लेने का सोच रहे थे, तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। मैंने इसको यूज किया है, आईफोन SE इसका ओल्ड वर्जन, इस टाइम पे भी पबजी अच्छी तरह से चलाता है बिना लैग के। तो आप सोच सकते हो कि A13 बायोनिक चिप में आपकी पबजी क्या, अरे सब मक्खन चलेगा। सो भाई, यही था पूरा का पूरा वीडियो, मैंने अपने ओपिनियन शेयर कर दिए हैं। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और साथ में मैं आईफोन SE 2 के काफी सारे कंपेरिजन लाने वाला हूँ, जैसे कि 8 के साथ कंपेयर करूंगा, 7 के साथ कंपेयर करूंगा, 11 प्रो जितने मेरे को बेटर लगे उन सबके साथ कंपेरिजन करूंगा, उसके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको एक काम करना रहेगा, नीचे सरफेस टेक को सब्सक्राइब करना रहेगा और बेल आइकन को प्रेस करना रहेगा, ताकि जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूँ और आपके पास पहुंच जाए। सो टिल देन, बाय।